प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्यों में बदल देता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्यों में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। प्रभु ने एक बार और इस तरह से जो मौका दिया है, उसके लिए मैं दिल से प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। प्रार्थना करते समय भाई नसीब ने कई बार प्रभु से इस बात की विनती की थी कि प्रभु मुझे विशेष बल दें, और जब वे मुझे बल और शक्ति के लिए मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो बार बार उन्होंने ये बात प्रभु से मांगी थी कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और उसके साथ साथ ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि
मैं और आप जब अपना मसीही जीवन सक्रिय रूप से बिताने की कोशिश करते हैं तो उसमें पवित्र आत्मा का रोल बहुत होता है। पवित्र आत्मा हमारे व्यावहारिक जीवनों में हमें किस तरह से मदद करते हैं, इसके बहुत सारे जो पहलू हैं उनका हमने अध्ययन किया था। आत्मिक व्यावहारिक आत्मिक जीवन के पहलू इतने अधिक हैं कि एक या अनेक संदेशों में भी उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। आज इस कारण मैं अगले एक पहलू को लेना चाहता हूं जो हम रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के 1 से लेकर 2 पदों में हम पढ़ते हैं। रोमियो 12:1-2 वहां हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु के वचन में स्पष्टतया लिखा है कि प्रभु ने हमें आत्मिक सेवा के लिए बुलाया। पहले पद के आखिरी हिस्से को जरा ध्यान से देखें, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। स्वाभाविक है कि यदि यह हमारी सेवा है तो यह हमारे व्यावहारिक जीवन के बारे में बोल रहा है। तो व्यावहारिक जीवन के कई पहलुओं को जो इसके पहले मैंने याद दिलाया था उसमें से एक पहलू जिसके ऊपर इन दिनों मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया था वो ये था कि मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने एक निवेश किया है, एक इन्वेस्टमेंट किया है, उसका सही उपयोग करना है। इसको बहुत बार मैंने आपके सामने दोहराया। कोई भी विषय हम ले लेते हैं तो उस विषय में ये आ ही जाता है। उसके साथ साथ एक बात जो मैंने बार बार आपके सामने दोहराई वो ये है कि हम सबको आत्मिक जीवन में बुलाहट मिली है। जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं सिर्फ वे प्रभु के दास ही नहीं, हर मसीही को आत्मिक जीवन में बुलाहट मिली है। तो प्रभु के द्वारा जो मेरे और आपके जीवन में जो निवेश किया गया है और प्रभु की ओर से हमको जो बुलाहट मिली है, ये दो थीम बार बार मैंने आपके सामने रखा था। आज मैं अगला जो विषय है वो आपके सामने रख रहा हूं, हमारी आत्मिक सेवा। आप कहेंगे कि आत्मिक सेवा तो शायद उन लोगों के लिए है ब्रदर जो पूर्ण समय परमेश्वर की सेवा करते हैं। जी नहीं, ये जो पद हमने अभी पढ़ा आरंभ में ही कहता है हे भाइयों, जिसका मतलब है सभी विश्वासियों से कहा गया है, सिर्फ प्रचारकों से नहीं। और जब बाइबल में हे भाइयों पद हम पढ़ते हैं, इस बात को याद रखें कि यहाँ भाई बहन सभी शामिल हैं। तो हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं, जब प्रभु का वचन कहता है तो ये बात स्पष्ट है कि ये हम सबसे कहा गया है, सिर्फ उन लोगों से नहीं जो प्रभु की सेवा करते हैं। और हम सबसे कहा गया है कि तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो ना केवल हमें बुलाहट मिली है, ना केवल हमारे जीवन में प्रभु ने एक निवेश किया है, बल्कि प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति को आत्मिक सेवा के लिए बुलाया है। इस विषय पर ये जो दो पद मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके बारे में कल मैंने भाई रंजीत से विस्तार में चर्चा की थी। प्रभु का वचन जब प्रभु के बच्चों के सामने पेश किया जाता है तो ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। जो भी प्रभु का वचन प्रेजेंट करता है उसके लिए जरूरी है कि वो उस विषय का अच्छी तरह से अध्ययन और मनन करें। अध्ययन के हिस्से के रूप में मैंने भाई रंजीत से इस विषय के ऊपर काफी चर्चा की थी और भाई रंजीत को ये बात मालूम थी कि आज मैं इन दो पदों पर बोलने वाला हूं। उसके आधार पर भाई रंजीत ने आज का विषय आप सबको भेजा, अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओ या जीवित बलिदान। मैंने भी नोटिस भेजा था जिसमें मैंने विषय लिखा था पुराना मन या नया मन। हम दोनों ने एक ही पोर्शन को देखा, रोमियो 12:1-2।
हम दो अलग अलग विषय पर आए या हमने दो अलग अलग टाइटल दिए, क्योंकि जब रोमियो 12:1-2 में जो कहा गया है उसके अनुसार जब हम अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, जब हम अपने व्यावहारिक जीवन को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में रोमियो 12:1-2 कहता है, तो एक तरफ से हम अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, दूसरी ओर नए मन से, पुराने मन से नए मन की ओर जा रहे हैं। इन दोनों में क्या संबंध है? प्रभु का वचन इसको स्पष्ट करता है। इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। तो यहां दो बातें हम आरंभ में देखते हैं, फलानी चीज के सदृश ना बनो, एक नवीनीकरण तुम्हारे जीवन में जरूरी है, इसीलिए लिखा हुआ है बुद्धि के नए हो जाने से। इन दोनों चीजों का संबंध पिछले दिनों मैंने आपको एक बात बताई थी उससे है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 याद दिलाता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इसका मतलब है कि मसीह में आने से पहले पुरानी सृष्टि था, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई का मतलब है प्रभु ने मुझे और आपको एक नया स्वभाव प्रदान किया है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 3 को जब हम खोलकर पढ़ते हैं तो वहां एक बात साफ साफ हमको स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु ने जब हमको नया स्वभाव दिया तो हमारा जो पुराना स्वभाव है उसको हटा नहीं दिया, उसको भी हमारे अंदर रहने दिया। क्यों रहने दिया? देखिए, सर्वेश्वर मेरे और आपको, हम इस समय जिस अवस्था में हैं, यहां से एक बहुत उन्नत अवस्था में ले जाना चाहते हैं और हमको बहुत अधिक उन्नत अवस्था में ले जाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में जो योजना बनाते हैं कई बार हमको समझ में नहीं आता है, इसको मन में रखें। तो प्रभु ने हमें जब नया स्वभाव दिया, एक नया मनुष्य बनाया, तो पुराने मनुष्य को क्यों नहीं हटाया ये सिर्फ प्रभु जानते हैं। हाँ, मनुष्य के अनुभव, मनुष्य के जो व्यावहारिक अनुभव है उससे हम कई बातें सीख सकते हैं। आज से कुछ साल पहले हमारे घर के सामने कुछ मिस्त्री लोगों ने ग्रेनाइट का पत्थर लाके उसको घिस के उसको एक रूप दिया। वे लोग उसके लिए जिस औजार का, बिजली के औजार का उपयोग कर रहे थे, मुझे बहुत विशेष औजार लगा। तो जब वे लोग विश्राम कर रहे थे मैंने उनसे जाके पूछा कि भैया ये औजार, तो उन्होंने बताया कि सर ये जर्मनी से आता है और विशेष औजार है और इसकी ब्लेड जब ग्रेनाइट को काटती है तो ब्लेड कुछ समय के बाद घिस जाता है क्योंकि ग्रेनाइट इतना कड़ा होता है। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, मैं समझ गया, जरा ब्लेड तो दिखाओ। वो लोग ग्रेनाइट को इससे घिसकर, इस मोटर से घिसकर इतना चिकना बना रहे थे कि देख के मैं हैरान हो गया। तो मैंने सोचा जिस चीज से उसको घिस रहे होंगे वो तो उससे भी ज्यादा चिकना होगा, लेकिन उन्होंने जब ब्लेड दिखाया तो मैंने माथा पकड़ लिया, क्योंकि वो जो ब्लेड जिससे वो लोग ग्रेनाइट को घिस रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कंकड़ लगे हो, एक्चुअली एक गोल ब्लेड था और उसमें कंकड़ जैसे सब जगह उभरे हुए थे। मैंने पूछा कि भैया ये कंकड़ जैसी उभरी हुई चीजें क्या है? तो उन्होंने बताया सर ये डायमंड है, इंडस्ट्रियल डायमंड जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है, स्वाभाविक डायमंड नहीं, और ये डायमंड सिर्फ डायमंड है जो कि ग्रेनाइट को काट सकता है। और हाँ, जब हम उस ब्लेड पर लगे हुए डायमंड को देखते हैं या हीरे को देखते हैं तो बहुत ही रफ लगता है, ऊबड़ खाबड़ लगता है, लेकिन जब वो डायमंड जाकर ग्रेनाइट को घिसता है तो ग्रेनाइट एकदम से शेप ले लेता है, चिकना हो जाता है।
मेरे आपके जीवन में जब प्रभु हमको शेप करते हैं, हमारी रूपरेखा बदलते हैं, तो ये एक अच्छा सा उदाहरण है कि ग्रेनाइट का पत्थर लाए, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके घिस के उसको बहुत ही आकर्षक रूप दिया गया, लेकिन इस आकर्षक उसको ये आकर्षक रूप देने के लिए बहुत ही रफ तरीके से उसको घिसना पड़ा। प्रभु मुझे और आपको, हम जो थे वहां से, हम जो हमारे बारे में प्रभु की जो उम्मीद है कि हम हो जाएंगे, इस रूपांतर के लिए जिस तरह से मनुष्य ग्रेनाइट को घिसने के लिए डायमंड के बहुत ही रफ ब्लेड का उपयोग करता है, उसी तरह से प्रभु कई चीजों का उपयोग करते हैं जिसमें से एक है हमारा पुराना स्वभाव। प्रभु चाहते हैं कि वो पुराना स्वभाव जब हमारे ऊपर काबू करने की कोशिश करता है, तब उस पुराने स्वभाव को काबू करने के द्वारा हम अपने जीवन को और अच्छा बनाएं। इसलिए यहां लिखा है संसार के सदृश न बनो। अच्छा, इसके पहले ये बात मैंने आपको याद दिलाई थी कि संसार, जब प्रभु का वचन शरीर शब्द का उपयोग करता है और संसार शब्द का उपयोग करता है, तो उसके कई मतलब है। शरीर शब्द का उपयोग जब प्रभु का वचन करता है, तो एक तो मेरे और आपकी ये जो देह है इसके बारे में है। नंबर दो, प्रभु का वचन शरीर शब्द का उपयोग मेरे आपके अंदर जो पाप स्वभाव है उसके लिए भी यूज करता है। उसी तरह से जब प्रभु का वचन संसार शब्द का उपयोग करता है, तो वो भी कई सेंस में उपयोग करता है। एक तो है मैं और आप जब अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं वो संसार है, लेकिन यहां जब कहा गया संसार के सदृश ना बनो, तो ये घर के बाहर जो लोग दिखते हैं उनके बारे में नहीं है कि उनके समान मत बनो, बल्कि जब प्रभु का वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, तो उसके कहने का मतलब है कि इस दुनिया की जो सोचने की रीति है, दुनिया के सोचने का जो तरीका है, उस तरीके से तुम ना सोचो, तुम्हारे सोचने का तरीका प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। इसके एक उदाहरण देके मैं आगे बढ़ता हूं। प्रभु यीशु ने जब पहाड़ी उपदेश दिया था, तो पहाड़ी उपदेश में कहा था धन्य है जो मन के दीन है, लेकिन दुनिया हमें सिखाती है धन्य है जो मन के कड़क हैं। तो जो आदमी संसार के समान सोचता है वो प्रभु के वचन से उल्टा सोचता है, और इसलिए जब प्रभु का वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तो वो जो पुरानी सोच है उसको छोड़ दें। अच्छा, फिर क्या होगा? जब हम उसको छोड़ देंगे, हमारी बुद्धि धीरे धीरे नई होगी। यहां एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद हमारी बुद्धि एकदम से अपने आप नई नहीं हो जाती है। वो एक लंबी प्रक्रिया है। जिस तरह से ग्रेनाइट के एक पत्थर मिस्त्री बड़ी दक्षता के साथ कड़ाई से घिस के कई दिनों में शेप देता है, उसी तरह से मेरे और आपके जीवन में प्रभु कार्य करते हैं और उस कार्य के द्वारा हम शेप में आते हैं। बिजली के इक्विपमेंट वगैरह आने से पहले ग्रेनाइट को शेप देने के लिए कई बार महीनों लगते थे, तो वो उसी तरह से मेरे और आपके जीवन में प्रभु जब कार्य करते हैं तो हमारे रूपांतर के लिए काफी लंबे समय की जरूरत होती है। कितने लंबे समय की जरूरत आप पूछेंगे? भाई जितने दिन प्रभु हमको संसार में रखते हैं उतने दिन की जरूरत है, इसीलिए रखते हैं। सी, कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद इतने साल इस पृथ्वी में हम क्या करेंगे, प्रभु क्यों नहीं हमको अपने साथ ले जाते। उसका कारण यही है, कई कारण है जिसमें से एक ये है कि मेरे आपके रूपांतर के लिए इतने सालों की जरूरत है, और इसलिए प्रभु हमारा रूपांतर करते हैं और हमको यूज करते हैं। ठीक है, तो संसार के सदृश ना बने, बुद्धि नई होती चली जाए, और बुद्धि नई कैसे होगी? जब पवित्र आत्मा मेरे आपके अंदर
कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में भी इसके पहले हम देख चुके हैं कि जब हम अपना जीवन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में छोड़ देते हैं तो आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखता है, और जब आत्मा का फल जीवन में दिखेगा तो हमारा स्वभाव बदलेगा, उसके साथ साथ हमारा मन जो है वो बदलता चला जाएगा। और जब हमारा मन बदलता चला जाएगा या बुद्धि नई हो जाएगी तो हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा। कल तक जिन चीजों में हम चाल चलन बदलने का मतलब क्या है, कल तक जिन चीजों में हम आनंद लेते थे आज वो हमको किसी तरह का आनंद नहीं देते हैं। कल तक हम जिन चीजों में हम बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते थे आज उन चीजों में दिलचस्पी देने लगे हैं। ये है चाल चलन बदलने का मतलब। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि चाल चलन बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा ज्ञात कर सको। हम में से हर व्यक्ति प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। प्रभु की इच्छा के दो पहलू हैं, एक जो प्रभु ने अपने वचन में प्रकट कर दिया है, जैसे प्रभु का वचन कहता है तू झूठी साक्षी ना देना, ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की प्रकट इच्छा है या प्रकट की हुई इच्छा है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रतिदिन प्रभु हम पर प्रकट करते हैं। जैसे कल जब मैं और भाई रंजीत चर्चा कर रहे थे तब हमने कई विषयों के ऊपर चर्चा की। मेरे सामने ये प्रश्न था कि संडे शाम को कौन सा वचन मैं प्रभु को अविश्वासियों के सामने रखूं, तो प्रभु की इच्छा क्या है इसको जानने के लिए हमने वहां पर आपस में चर्चा की, प्रभु के ऊपर आश्रय किया। तो प्रभु की इच्छा इस तरह से दो तरह की इच्छाएं हैं, एक जिसको प्रभु ने अपने वचन में पूर्ण रूप से व्यक्त कर दिया है, नंबर दो प्रतिदिन के जीवन में प्रभु क्या संदेश देना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है। कोई आके हमसे कोई बहुत ही टेढ़ा सा सवाल पूछे आत्मिक जीवन के बारे में, क्या जवाब देना है, ये प्रभु की इच्छा है। इस इच्छा के बारे में प्रभु का वचन 12:1 में कहता है कि प्रभु की इच्छा अनुभव से ज्ञात करो, मालूम कर सको या मालूम करते रहो। जब हम प्रभु की इच्छा, प्रभु ने जो इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा के भराव में जिएंगे, और जब पवित्र आत्मा हमारे मनों को रूपांतरित करेंगे तब हम अनुभव से ये जान सकेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं सभी लोग कोई ना कोई गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, शायद ऐसा भी कोई है जो उससे भी बड़ी गाड़ी चलाता हो। हम सब इस बात को जानते हैं कि कितनी भी सावधानी से चलाओ कई बार हमारे सामने जो है वो अपनी लापरवाही से आकर टक्कर मार देता है। पिछले दिनों मैं अपने फादर के साथ कार से जा रहा था, हम तीन लोग थे, मैं था, मेरे सामने एक मोटरसाइकिल वाला था और बगल में एक कार वाला था। हम तीनों सड़क के बाकायदा लेफ्ट साइड पर जा रहे थे बिल्कुल नियम के अनुसार, और हम तीनों के बीच में ज्यादा जगह नहीं थी, गाड़ियों के बीच में जो जगह देनी होती है सिर्फ उतनी जगह थी। तीनों बड़े आराम से जा रहे थे, तीनों बड़े आत्मनियंत्रण के साथ जा रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे थे। अचानक एक साइकिल वाला हम तीनों के बीच में ऑपोजिट साइड से घुस आया। सोचिए हम क्या करेंगे, वहां एक आदमी के पैदल चलने की जगह नहीं थी हम तीनों के बीच में, और हमारे बीच में बाकायदा साइकिल लेके तेजी से वो घुस आया। अब क्या हो, चारों गाड़ियों की टक्कर होती है, और टक्कर होगी तो जिनकी बड़ी गाड़ी है सब लोग उसकी बुराई कर, ये आदमी गलत दिशा से आया, हम तो अपने लेफ्ट साइड पे जा रहे थे, ये आदमी गलत दिशा से आया, लेकिन इसके बावजूद लोग उसका साइड लेते। इस तरह से जब हम ड्राइव करते हैं तब दूसरा जो गड़बड़ करता है उसके बारे में कोई लिखित नियम है क्या कि तब क्या करना चाहिए, कैसे गाड़ी को नियंत्रित करना चाहिए? जी नहीं। इस तरह की विकट स्थितियों में
क्या करना है ये हम अनुभव से सीखते हैं। आप पूछेंगे क्या हुआ, प्रभु के दया से हम तीनों लेफ्ट साइड पे जा रहे थे, तीनों अनुभवी लोग थे और तीनों ने इस तरह से ब्रेक लगाया कि हम तीनों की गाड़ियां भी बच गई, वो आदमी भी बच गया, किसी को खरोंच नहीं आई। ऐसी बातों के बारे में किताबों में कोई नियम नहीं है कि भाई फलाना आ जाए तो ऐसा करना, वो आ जाए तो ऐसा करना, जी नहीं। क्योंकि इस तरह की घटनाएं असंख्य तरीके से होती हैं और ऐसी विकट स्थिति में अपना बचाव कैसे करना है ये सिर्फ अनुभव से ज्ञात होता है। कोई यदि तीनों ड्राइवर नौसिखिए होते तो भयंकर टक्कर होती और वो साइकिल वाला किसी न किसी एक गाड़ी के नीचे चला गया होता, लेकिन उस दिन नहीं गया क्योंकि अनुभव। ये उदाहरण मैंने जानबूझकर इसलिए दिया कि हम इस बात को समझें कि हमारा आत्मिक जीवन एग्जैक्टली इसी तरह से है। जब मैं और आप सही दिशा में जा रहे हो सकता है बेटा ही गड़बड़ कर दे, हो सकता है बिटिया गड़बड़ कर दे, हो सकता है कोई भाई गड़बड़ कर दे, कोई बहन गड़बड़ कर दे। आज जो लोग प्रभु का संदेश सुन रहे हैं इनमें से कई ऐसे भाई लोग हैं जो प्रचारक हैं, जो मंडलियों के अगुए हैं, वे लोग इस बात को जानते हैं कि भैया कितनी भी सावधानी से मंडली को ले जाओ, आगे बढ़ाओ, उसका दिशा निर्देशन करो, लेकिन कई बार भाई लोग या बहन लोग गड़बड़ कर ही देते हैं और उसके बाद सबसे बड़ी परेशानी है अब क्या किया जाए। इनमें इस तरह की हजारों स्थितियां हो सकती हैं और इसका उत्तर प्रभु का वचन देता है कि ऐसी स्थितियों में प्रभु की क्या इच्छा है उसे हम सिर्फ अनुभव से जान सकते हैं। अच्छा, प्रभु की इच्छा के बारे में प्रभु के वचन में एक शब्द कहा गया है, सिद्ध इच्छा, एक अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है। हिंदी में जिस समय ट्रांसलेट किया था तब तो शायद अच्छा रहा होगा, लेकिन आज सिद्ध इच्छा का कोई मायना नहीं रखता। यहाँ जो सही शब्द है वो है प्रभु की पूर्ण इच्छा, परफेक्ट इच्छा। हर स्थिति के बारे में प्रभु की एक परफेक्ट पूर्णता ली हुई इच्छा होती है। उस इच्छा को मैं और आप सिर्फ अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं। तो आज मैं जो आपके सामने बता रहा हूं, पुराने मन से सोचें या नए मन से सोचें और पुराने से नए की ओर रूपांतर हो और अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाएं, ये सब आपस में कनेक्टेड है। जब हम इस तरह से करेंगे तब प्रभु की जो परफेक्ट इच्छा है उसे जानेंगे, वो भी एकदम से। उसका कोई तरीका नहीं कि सिक्का लिया, जेब से टॉस किया और प्रभु की इच्छा को जान लिया, जी नहीं, अनुभव से ज्ञात करेंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, पहले पद में हमने देखा, नंबर वन, हर नए विश्वासी के सामने ये परीक्षा होती है कि वो संसार के सदृश व्यवहार करे। प्रभु का वचन याद दिलाता ऐसा मत करना। नंबर दो, हमारी बुद्धि प्रतिदिन नई होती चली जाए, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रूपांतर लाए, उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें। बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाए। जब इस तरह से हमारे मन में रूपांतर होगा तो वो हमारे जीवन में दिखाई देगा। और जब ये तीनों बातें होंगी तब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हम अनुभव से ज्ञात कर सकेंगे। ये चार बातें हमने इस पद में देखी। एक चीज अगले पद में जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि परमेश्वर की जो इच्छा है उसके बारे में सिद्ध शब्द पर मैंने जोर दिया, लेकिन वहां एक्चुअली तीन शब्द हैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में, परमेश्वर की भली इच्छा, परमेश्वर की भावती इच्छा और सिद्ध इच्छा। परमेश्वर की भली इच्छा का मतलब यह है कि प्रभु मेरे आपके बारे में जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा अच्छी ही होती है। मुझे आपको अच्छी लगे या नहीं ये अलग बात है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमेशा अच्छी होती है। भावती मतलब मन भावनी, मन भावनी लगे उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपनी इच्छा प्रभु के प्रति ट्यून करके रखें।
कई बार मैं नोट करता हूं कि किसी के लिए कोई चीज खरीदनी है, घर में ही कोई व्यक्ति, बेटा या बेटी या वाइफ या कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर या भाई या बहन, कि आपके उस इलाके में फलानी चीज मिलती है, जरा मुझे एक चाहिए। तो जब मैं कहता हूँ ठीक है मैं खरीद दूंगा, तो तुरंत जवाब आता है नहीं नहीं मैं जरा देखना चाहता हूँ। मतलब वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार उसको पसंद करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, हम में से हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, अपनी चॉइस होती है। एक काला पसंद करता है तो दूसरा पीला पसंद करता है। लेकिन जब हम प्रभु की इच्छा के बारे में सोचते हैं, तब प्रभु से मोल भाव ना करें कि नहीं नहीं प्रभु मेरी इच्छा के अनुसार, ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु मेरी इच्छा हो तभी मैं पसंद करूंगा। नहीं, प्रभु के भाव की इच्छा का मतलब है प्रभु उसे पसंद करते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में भी हमें ये आदत बना लेनी चाहिए कि जो प्रभु की इच्छा है वो हमारी इच्छा हो। ठीक है, तो भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अच्छा, जब हम यहां तक आ गए तो अब रोमियो 12 का जो 12:2 हम पढ़ रहे थे, एक मिनट, हाँ 12:1 में जरा वापस जाना चाहता हूं। 12:1 हमको बताता है अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान के बारे में हम लोग जानते हैं, हाँ थैंक यू, बलिदान के बारे में हम भारतीय लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि भारत में तो हजारों साल से बलि की परंपरा रही है। आज भी हमारे आसपास कई जगह बलिदान होते हैं। बलिदान में क्या होता है, कोई ना कोई मृग काटा जाता है। प्रभु के वचन में तो शुरू की जो 5 पुस्तकें हैं उसमें तो इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। जहां कैन और आबेल के बारे में पढ़ते हैं, आबेल ने बलिदान चढ़ाया, और वहां से लेकर पूरे प्रभु के वचन में बलिदान के बारे में हम पढ़ते हैं। बलिदान की विशेषता है कि जिसको भी बलिदान किया, बलि किया जाता है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जो भी मृग बलि किया जाता था उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। इवन जब प्रभु ने इब्राहिम से कहा था कि अपने बेटे को मेरे लिए बलि करके चढ़ाओ, तो इब्राहिम ने बेटे को बांध कर छुरी उठाई। जहां बलिदान होता है वहां मृत्यु होती है, ठीक है। लेकिन यहां प्रभु का वचन कहता है रोमियो 12:1 में, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। इसका क्या मतलब हुआ, मैं और आप जब अपने जीवन को प्रभु को बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं, तो ये बलिदान अन्य बलिदानों से एकदम भिन्न है। अन्य बलिदानों में, दुनिया के सारे बलिदानों में जो बलि होता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जब एक मसीही विश्वासी अपने आप को प्रभु के लिए बलि करता है, तो वो जीवित रहता है और उसका जीवन और अधिक सशक्त होता जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। उस बलिदान के बारे में भी प्रभु के वचन में 2-3 बातें कही गई है। शरीरों को, नंबर 1, जीवित बलिदान। ऐसा भी होता है कि जी हाँ, हम प्रभु के वचन में जो जिन बलिदानों के बारे में पढ़ते हैं, और अपने देश में भी जहाँ जो बलियां होती है वहां मृत्यु होती है, लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि विश्वासी होने के कारण मैं और आप जो बलि चढ़ाते हैं जीवित बलिदान है। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूं, आपको इस बात का यकीन है क्या कि आपने अपने जीवन प्रभु के लिए बलिदान किया है? देखिए, यदि आप अपनी मनमर्जी चल रहे हो, या प्रभु से यदि आपकी खींचतान चल रही हो, तो वहां बलि नहीं, आपने अपने जीवन को बलिदान नहीं किया है। आपने अपने आप को बलिदान किया होता तो वो पूरी तरह से प्रभु को दे दिया होता। आपने प्रभु को नहीं दिया, उसका मतलब है कि आपने अपने आप को बलिदान नहीं किया है। ये 2 क्षण के लिए हमें सोचना जरूरी, इसलिए कि आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं
जहां हम अपने आप को मसीही तो कहते हैं लेकिन हमारे जीवन में जो व्यवहार है वो मसीही नहीं है। हम जिन चीजों को माध्यमों के द्वारा देखना पसंद करते हैं वो एक मसीही के लिए उचित नहीं है। हम जिन चीजों को समाज में जो काम करना चाहते हैं वो एक मसीह के लिए उचित नहीं है। इस संदर्भ में मैंने एक बात आपको याद दिलाई थी कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां बहुत सारे मसीही युवा गैर मसीही युवतियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बहुत सारी मसीही युवतियां गैर मसीही युवकों की तरफ आकर्षित हो रही हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु के हाथ में नहीं सौंपा है, वो अभी भी पकड़े हुए हैं कि प्रभु आपकी इच्छा है लेकिन प्रभु मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं या जीना चाहती हूं। यदि श्रोताओं में इस तरह का कोई युवा भाई या बहन है जो गैर मसीही युवा युवतियों के प्रति आकर्षित हो रहा हो तो प्रभु के वचन से मैं याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। मसीह का बलियाल मतलब शैतान के साथ क्या संबंध है, जीवित परमेश्वर का मूर्तियों से क्या संबंध है। तो इसलिए श्रोताओं में से यदि कोई ऐसा है जो विवाहित होने से पहले ही गैर मसीह की तरफ आकर्षित हो गया हो, प्रिय भाई प्रिय बहन, आप अपने आप को बर्बाद करने के लिए बर्बादी की दिशा में भाग रहे हैं। आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, ज्योति और अंधकार का की क्या संगति। हम इस तरह से बेमेल कार्य कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया है और उसका मतलब ये भी है कि हम जबरदस्ती प्रभु के हाथों सौंपने के बदले अपने हाथों में अपने जीवन को पकड़े हुए हैं। शादीशुदा भाई और बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, आजकल मसीही परिवारों में काफी संघर्ष देखे जाते हैं। इन संघर्षों का एक कारण यह है कि गैर मसीही माध्यम पारिवारिक जीवनों के बारे में जो कहते हैं हम लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनमें पारिवारिक जीवन के बारे में जो गलत बातें बताई गई हैं उनको सही समझकर उनके अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना करें, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। नया मन हमारे अंदर बन सके इसके लिए हम कार्य करें। प्रभु के वचन में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो प्रभु के बच्चे होते हुए भी या प्रभु की संतान होते हुए भी या अपने आप को प्रभु की संतान समझते हुए भी जिन्होंने पुराने मन के अनुसार कार्य किया था। आदम और हव्वा के जो बड़े बेटे थे काइन और हाबेल के बारे में हम जानते हैं। काइन और हाबेल एक ऐसी पीढ़ी में जिए थे जहां पर प्रभु मनुष्यों को मुखामुख दर्शन देते थे। आदम और हव्वा से तो प्रभु डेली बात करते थे। काइन और हाबेल में भी कोई खास फर्क नहीं था क्योंकि काइन से प्रभु ने चर्चा की ऐसा हम देखते हैं। दोनों प्रभु के लिए बलिदान लाए, दोनों ही अपने आप को प्रभु की संतान समझते थे। हाबेल के बलिदान को प्रभु ने ग्रहण किया, नया नियम कहता है कि वो विश्वास के साथ बलिदान लाए इसलिए प्रभु ने ग्रहण किया। काइन बलिदान तो लाया लेकिन उसमें विश्वास नहीं था। दोनों ही अपने आप को प्रभु का बच्चा समझते थे और इसलिए प्रभु के लिए बलिदान लाए, एक नए मन के द्वारा विश्वास के साथ बलिदान लाया, एक पुराने मन के अनुसार बलिदान लाया जिसमें विश्वास नहीं अविश्वास था और अविश्वास के कारण प्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये मेरी गलती है ऐसा समझने के बदले
काइन बहुत बुरी तरह से कोपित हो गया, नाराज हो गया। प्रभु का वचन कहता है ऐसा नाराज हुआ कि उसने ठान लिया कि मुझे अपने भाई की हत्या करनी है, और भाई को बहला फुसला के जब वो ऐसी जगह ले गया जहां उनके माँ बाप उनके आवाज नहीं सुन सकते थे, वहां कैन ने अपने भाई हाबेल को घात किया, उसकी हत्या कर दी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, वो एक ऐसा जमाना था जहां पर तलवार चाकू छुरे बंदूक वगैरह नहीं होते थे। इस कारण अपने भाई की हत्या करने के लिए उसके पास सिर्फ पत्थर या इस तरह के हथियार थे। इन हथियारों से किसी की हत्या करना कोई आसान नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन उसका मन इतना निर्दय हो गया था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी। कारण क्या है? उसके भाई ने नए मन के अनुसार बलिदान चढ़ाया, काइन ने पुराने मन की सोच के अनुसार बलिदान चढ़ाया। प्रभु के वचन में हम और आगे बढ़ते हैं। याकूब और ईसाव के बारे में, याकूब प्रभु के द्वारा चुना गया व्यक्ति था, लेकिन पैदाइश से धोखेबाज था। उसके जीवन में बहुत अधिक रूपांतर की जरूरत थी। और प्रभु का वचन नया नियम याकूब के बारे में जो कहता है, इवन नए नियम नहीं पुराने नियम में भी याकूब के बारे में जो वर्णन है उसमें एक बात स्पष्ट है कि याकूब पैदाइश से पाप स्वभाव के अनुसार चलता था, लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में जो कार्य किया उसके कारण धीरे 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 उसके जीवन में रूपांतर हुआ और प्रभु ने याकूब को अनुग्रह दिया। और आगे बढ़ते हैं, याकूब के 12 बेटे थे, जिसमें से एक बेटा धर्मी था। प्रभु ने उसको दर्शन दिया, दो बार सपने में बताया कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। उसके जो बड़े भाई लोग थे, 10 बड़े भाई थे, उन्होंने उसको समझा क्या? नहीं। यूसुफ को जब प्रभु ने अपनी वाणी दी, जब यूसुफ को प्रभु ने अपना दर्शन दिखाया, तो उसके बड़े भाइयों ने उसे दुनियावी तरीके से सोचा, दुनियावी तरीके से उसकी व्याख्या की। ये है जो नई सोच है और पुरानी सोच है, दोनों में अंतर। उन्होंने कहा अच्छा, ये कहता है कि ये हम पर राज करेगा, दिखा देंगे। फाइनली क्या हुआ, उन्होंने यूसुफ को पकड़ के पहले तो एक बिन पानी के कुएं में डाला, और उसके बाद जो है गुलामों के व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। गुलामों के व्यापारी इश्माइली लोग उसको ले जाके, उनको पक्का मालूम था कि मिस्र देश में ले जाकर बेचेंगे, और मिस्र देश में वो गुलामों से ऐसा काम करवाते थे कि कुछ ही दिन में वो खत्म हो जाता था। देखिए, नई सोच और पुरानी सोच में अंतर। यूसुफ को प्रभु ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। यूसुफ के भाइयों ने इसी बात को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से लिए कि अच्छा, हमारे ऊपर राज्य करेगा क्या। इस घटना के सालों के बाद यूसुफ अपने परिवार के लिए एक छुटकारा देने वाला बना। परिवार जाके मिस्र देश में सेटल हो गया। सेटल होने के कई सालों के बाद यूसुफ के पिताजी गुजर गए। जब यूसुफ के पिताजी गुजर गए तब भाइयों को डर लगा, डर से कांपने लगे। मिस्र देश का फिरौन को छोड़कर हमारा छोटा भाई सर्वे सर्वा है, और मिस्र के जो शासक थे वो हत्या से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे। कुछ नहीं करना पड़ता था, बस जल्लाद को इशारा करना होता था, उसके बाद आपको तो पता भी नहीं चलेगा, उसको जहां है वहां से उठवा के ले जाके जितनी क्रूरता आप कहेंगे उतनी क्रूरता से हत्या कर देंगे। यूसुफ के भाई डर गए, उन्हें लगा कि पिताजी गुजर गए, छोटा भाई इस देश का सर्वे सर्वा है, और अब वो हमसे बदला लेगा। तो उन्होंने किसी को कहला भेजा,
आपके पिताजी ने गुजरने से पहले ये कहा था कि अपने भाइयों को क्षमा कर दें। यूसुफ का जवाब क्या था? यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने पास बुलाया, उनसे कहा डरो मत, मेरे पास आओ। यूसुफ उनको गले लगाना पड़ता था, वो लोग यूसुफ के पैर पड़ गए रोते हुए डरते हुए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पुराने मन के अनुसार कार्य किया था। लेकिन यूसुफ ने जो स्टेटमेंट, जो कथन उन लोगों के सामने रखा, वो आपको याद है क्या? यूसुफ ने उनसे कई बार कई बातें बोली थी, जिसमें से पहली बात ये थी, तुम लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभु ने मुझे यहां भेजा है। दूसरी बात यह थी, मैं सर्वोत्तम, इस देश का सर्वोत्तम हिस्सा तुमको दूंगा, मैं तुम सबकी सुरक्षा करूंगा। लेकिन जब भाई लोग डर के मारे कांपते हुए रोते गिड़गिड़ाते यूसुफ के सामने आए कि हमसे कुछ बुरा मत करना, तब यूसुफ ने एक स्टेटमेंट कहा जो अपने आप में एक क्लासिक स्टेटमेंट है। यूसुफ का स्टेटमेंट यह था, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यह है नए मन और पुराने मन में फर्क। जब एक व्यक्ति नया मन पा लेता है तो जीवन में उसका व्यवहार बहुत ही उन्नत और उच्च स्तर का हो जाता है। वो बड़े आराम से अपने भाइयों से बदला ले सकता था, नहीं लिया। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं बदला नहीं लूंगा, उसने उससे भी ऊंची बात कही, क्या मैं परमेश्वर की जगह पे हूं जो तुम लोगों से बदला लूं? वहां दो बातें हैं, एक यूसुफ के जीवन में जो नया मन आया था, जो रूपांतर हुआ था, वो हम देखते हैं। दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है बदला लेना मेरा काम है। यूसुफ इस बात को जानता था कि बदला लेना हो प्रभु का काम है, प्रभु के ऊपर छोड़ दो। इससे भी आगे जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो पुराने मन के अनुसार काम करने के एक और उदाहरण देखते हैं। जब एलिया के पास नामान चंगाई के लिए गया, एलिया ने उसको चंगाई दिलाई, नामान ने ले जाकर भविष्यवक्ता को बहुत अधिक गिफ्ट दिए। भविष्यवक्ता ने कहा मैं फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा। नामान जब चला गया तो भविष्यवक्ता के एक दास था, वो बोला कि बाप रे, करोड़ों की संपत्ति लेके आया था सीरिया का जो मुख्यमंत्री है या रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर, और उसको स्वामी ने तो छोड़ दिया। बिना किसी के देखे जब स्वामी उधर थे, नामान जा चुका था, वो पीछे पीछे भागा और उसने जाकर झूठ बोलकर संपत्ति ले ली। यह है पुराना मनुष्य। नए मनुष्य ने कहा नहीं, मैं तुमसे एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। पुराने मनुष्य ने कहा मैं जरूर लूंगा। क्या हुआ? नामान का कोड ना केवल उसको लग गया, सदा सर्वदा के लिए उसके परिवार के लिए लग गया। काइन जीवन भर भगोड़ा बना रहा। यूसुफ के भाई लोग जब तक उनके पिताजी की मृत्यु नहीं हुई और जब तक उनके भाई ने उनसे नहीं कहा कि मैं परमेश्वर की जगह पे नहीं, तब तक डर से कांपते रहे। गेहजी, नामान का जो कोड था सदा सर्वदा के लिए उसने अपने ऊपर ले लिया। यह है पुराने मनुष्य और नए मनुष्य में अंतर। प्रभु का वचन रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के 1 और 2 में हमको ये बात याद दिलाता है कि हम में से हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि हमको जो नया जीवन मिला है उसके अनुसार हमारे अंदर रूपांतर हो, और रूपांतर हो तब हम उस पुराने मनुष्य के अनुसार जीवन बिता सके। आगे देखने से पहले एक क्षण के लिए मैं सभी भाई और बहनों से पूछना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपने आज से शायद कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था। ग्रहण करने के बाद शायद कुछ महीने निकल गए, कुछ साल निकल गए या दशाब्दियां निकल गईं,
इन सालों में और इन दशाब्दियों में आपके जीवन में जो बलिदान, जो जो बदलाव आना चाहिए, जो रूपांतर आना चाहिए, वो आया है क्या? आप कहेंगे हाँ 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 यस, बहुत बदलाव आया। देखिए, मैं इसके पहले भी याद दिला चुका हूं कि हम सब अपने आप को बड़ा चढ़ाकर कहने में बहुत उस्ताद हैं, एक्सपर्ट्स हैं। इसलिए हम अपने स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बदले एक प्रश्न हमको ये पूछना चाहिए हमें अपने आप से कि यदि कल को पड़ोस में कोई व्यक्ति आकर पूछे कि यहाँ पर कोई धर्मी रहता है क्या, आपके पड़ोसी क्या कहेंगे? मान लीजिए कि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, यहाँ आकर यदि कोई पूछे कि यहाँ कोई धर्मी रहता है क्या, तो यदि हमारे पड़ोस में जो लोग हैं वो कहें कि धर्मी का तो नहीं मालूम, लेकिन एक आदमी अपने आप को बड़ा धर्मी समझता है, लेकिन इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा निकम्मा, धूर्त और पापी है, तो मेरी क्या गवाही है? कई बार मसीही लोग जहां रहते हैं वहां पर मसीहियों की गवाही ये होती है। लेकिन यदि हमारा जीवन जैसा होना चाहिए वैसा हो, तो जिस कॉलोनी में या जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहां आके यदि कोई पूछे कि भैया इस मोहल्ले में कोई धर्मी व्यक्ति है क्या, तो मोहल्ले के लोगों का जवाब ये होना चाहिए, भैया इस दुनिया में धर्मी कोई नहीं है, हम सब इस कॉलोनी में या इस मोहल्ले में जितने लोग हैं सभी पापी हैं। हाँ, एक धर्मी व्यक्ति है, फलाने घर में रहता है, ईसा का अनुयायी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि गैर मसीही लोग जवाब दे रहे हैं, जनरली वो लोग प्रभु यीशु को ईसा बोलते हैं, वो ईसा का अनुयायी है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां जाकर यदि कोई पूछे कि कोई धर्मी है क्या, कोई भक्त है क्या, तो उस कॉलोनी में जो लोग हैं वो जवाब देंगे क्या? उस घर में, उस मकान में एक भक्त रहता है, उसकी पत्नी भी भक्त है, उसके बच्चे तो सोने के बने हुए हैं, जवाब देंगे या नहीं देंगे? ओके, बच्चों की छोड़िए, वाइफ की छोड़िए, आपके बारे में क्या बोलेंगे? हमें से हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए। फिर से मैं याद दिला दूं, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से ज्ञात करो। कैन की बुद्धि नई हुई थी क्या? नहीं हुई। यूसुफ के 10 भाइयों की जो बुद्धि है वो नई हो गई थी क्या? जी नहीं। दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ता के साथ जो व्यक्ति अपनी जवानी में रहा और जिसने भविष्यवक्ता को, भविष्यवक्ता के जीवन को देखा, उसकी सोच नई हुई क्या? नहीं हुई। मैं और आप चर्च एज में रहते हैं, जहां प्रभु का वचन या प्रभु के वचन की 66 पुस्तकें मेरी आपकी मातृभाषा में मेरे और आपके हाथ में है। और अब तो बाइबल्स इतने सस्ते हो गए हैं कि एक परिवार में यदि 4 अंग हो तो कई परिवारों में 8-8, 10-10 बाइबल्स हैं। इस कारण मेरे और आपके मन के नए होने के लिए प्रभु के वचन के नियमित पठन, मनन, अध्ययन में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। इन सब के बावजूद यदि रूपांतर नहीं हो रहा है तो कौन दोषी है? अच्छा, अब तो टेक्नोलॉजी ने यह और आसान बना दिया है, अब लोग चर्च नहीं जा सकते लेकिन घर बैठ के प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, और कई अलग अलग अध्यापकों के द्वारा हम सुन पा रहे हैं, तो प्रभु के वचन की बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। फिर यदि रूपांतर नहीं हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? तो क्लोजिंग में मैं एक या दो प्रश्न आपके साथ छोड़ दूं। नंबर 1, आप कह सकते हैं क्या कि जितना रूपांतर होना चाहिए उतना रूपांतर हो रहा है मेरे जीवन में? कल क्या थे, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे,
ये सोचना हमारे लिए जरूरी है। यदि मुझे और आपको लगता है कि जो रूपांतर हुआ है पर्याप्त नहीं है, तो रूपांतर के लिए नियमित रूप से प्रयत्न करने के लिए हम मदद करें। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि बुद्धि के नए हो जाने से ही रूपांतर होगा, और बुद्धि नई कब होगी? जब हम प्रभु के वचन को पर्याप्त समय देंगे। वो विषय आज मैंने इसलिए नहीं लिया कि उसको तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यदि हमारा मन नया होना है तो प्रभु के वचन को पर्याप्त समय देना होगा देने के लिए, और बुद्धि के नए हो जाने से हमारे जीवन में रूपांतर हो और उसके द्वारा हमारा चाल चलन नया हो जाए। इसके लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलिहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं, बलिहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तो कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, तुझ में बना हूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं, तुझ में बना हूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, बलिहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, बलिहीन है कितना प्यारा शब्द मैं किसे बताऊं, बलिहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू कितना प्यारा शब्द मैं कैसे बताऊं, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम, तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं, जय जय नाम यीशु नाम
शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम तू ही है जो मुझना देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा तू ही है जो लाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा योजना जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम तू ही है जो राता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाओ सदा योजनाएं सफल हो जाए तू ही है मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाओ सदा जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम